जय माता दी। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार में, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण, मार्ग व्यवधान के कारण कल दर्शन नहीं हो पाया। जब भी कार्यक्रम अगर बनाना हो तो 15 सितंबर के बाद में अगर कार्यक्रम बनाते हैं तो मुझे लगता है वो इससे भी ज्यादा सुखद और रोचक हो सकता है। जय माता दी। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार में, और आइए आज की यात्रा प्रक्रिया क्या है जानते हैं। जैसा कि कल हम लोगों को चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने थे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण, मार्ग व्यवधान के कारण कल दर्शन नहीं हो पाया, तो आज हम लोग चिंतपूर्णी मैया के दरबार में पहुँच गए हैं और हमारा ये विशाल रैला यहाँ पहुँचा है और अब हम लोग दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम तैयार है और हम सबके टीम के अगुआ संरक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ जन, जिसमें सरवण श्रीवास्तव जी, जिनके माध्यम से यात्रा प्रारंभ हुई और आज भी निरंतर चल रही है, वो हमारे बीच में हैं। दो शब्द हम उनसे चाहेंगे। जय माता दी। हम लोग आ गए, माता के दर्शन करने आ रहे हैं। जय माता दी। चिंतपूर्णी मैया की जय।
जुगलबंदी जुगलबंदी हाँ चेंज हो गया बटन चेंज चलो फिर मिलेंगे। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के माध्यम से हम सभी माँ चिंतपूर्णी दरबार में उपस्थित हैं और मैया के दर्शनोपरांत आइए आपकी बात कराते हैं अपने परम आदरणीय पूजनीय चाचा श्री वरिष्ठ पत्रकार चाचा श्री जानकी शरण द्विवेदी जी से। जय माता दी। आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सोमवार के दिन माता चित्तपूर्णी के चरणों में हम सबको दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सब नौ देवियों का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किए हैं गोंडा से और लगातार शाकंभरी माता के दर्शन के उपरांत मनसा देवी और चंडी माता कालिका माता इसके बाद में नैना देवी का दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यह बहुत ही सुखद अवसर है कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी सी गर्मी का मौसम था, हम लोग ये सितंबर का महीना है, आज 5 सितंबर है, ये भी एक सुखद संयोग कहा जा सकता है कि आज शिक्षक दिवस है तो इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर दर्शन प्राप्त किया है। मौसम थोड़ा सा सितंबर का महीना होने के कारण थोड़ी सी गर्मी ज़रूर पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम अब हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लगातार मौसम भी हम लोगों के लिए बहुत सुहावना बहुत सुखद होता जा रहा है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं करीब 10 बजने का समय है, लेकिन मौसम बिल्कुल बहुत ही सुहाना है, बिल्कुल धूप कहीं नज़र नहीं आ रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी अब प्रवाहित होने लगी है। तो इस प्रकार से ये मौसम खास करके जो हिमाचल प्रदेश के जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ आने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा थोड़ा सा ये कार्यक्रम अगर 15 सितंबर के बाद में अगर बनाया जाए तो और अच्छा रहेगा। इधर कभी कभार थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और एक और संकट रहता है कि बरसात के दिनों में चूँकि पहाड़ी क्षेत्र हैं कहीं नदी नाले या पुल वगैरह के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन में थोड़ा सा व्यवधान होता है, तो श्रेयस्कर ये होगा कि हिमाचल प्रदेश की यात्राओं के लिए जब भी कार्यक्रम अगर बनाना हो तो 15 सितंबर के बाद में अगर कार्यक्रम बनाते हैं तो मुझे लगता है वो इससे भी ज़्यादा सुखद और रोचक हो सकता है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और ये चाचा जी के द्वारा अपना अनुभव आप सभी भक्तों के साथ शेयर किया गया।